नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 25 मार्च यानी कि होली के दिन लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि चंद्र ग्रहण होली के दिन जो लगने वाला है, क्या यह भारत में दिखाई देगा और क्या इसका प्रभाव भारत में होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। उन्हीं से जानते हैं कि 25 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसका भारत पर किस तरह से असर रहेगा। डॉक्टर सरिता जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। ये एक कन्फ्यूजन भी है और आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो ऐसी चीज़ें रील्स बहुत ज़्यादा फ्लैश होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर हमें बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि क्या 25 मार्च को होली के दिन जो ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, वो इंडिया में दिखाई देगा और क्या ये प्रभावी है इंडिया के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में नज़र नहीं आएगा। भारत के किसी भी राज्य में ये नज़र नहीं आने वाला है। ये वाला चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णमासी की तिथि को लग रहा है, 25 तारीख को। उस दिन होली भी है और ये सुबह 10:20 पर स्टार्ट होगा और लगभग 3:10 पर ये ख़त्म होगा भारतीय समय के अनुसार। तो ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो कि बाहर के देश में रह रहे, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, बाकी हर एक कंट्री में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये चंद्र ग्रहण जो है नज़र आएगा और इसकी अवधि भी काफ़ी समय तक है, जैसे 10 से लेकर के लगभग 3 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। तो भारत में, हमारे देश में इस चंद्र ग्रहण का कोई असर नज़र नहीं आएगा। ये बाहर के देशों में लग रहा है। दूसरा, यहाँ का सूतक पातक काल कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई सूतक का, जैसे हम विचार करते हैं कि चंद्रमा का जब ग्रहण लगता है तो 9 पहले सूतक स्टार्ट हो जाता है, 13 पहले स्टार्ट हो जाता है सूर्य में। तो ये जो सूतक का जो सब लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ये भी जो है ये हमारे यहाँ लागू नहीं होगा और ना ही चंद्र ग्रहण लगेगा और ना ही सूतक होगा। तो लेकिन फिर भी आप लोगों का ये मीडिया की वजह से ये बार बार ये सब आ रहा है कि इस राशि पे बहुत अच्छा है, इस राशि पे बहुत ख़राब है। लेकिन जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में, तो वो लोगों के लिए जो है वो ये चंद्र ग्रहण जो है वो कन्या राशि पे लगने जा रहा है। तो कन्या राशि पे लगने जा रहा है और बहुत सी राशियों को, ऑलमोस्ट सभी को इससे बेनिफिट भी है और कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स तो रहते ही हैं। कुछ के लिए बहुत अच्छा है और कुछ के लिए मध्यम स्तर पे है। लेकिन भारत में ये नज़र नहीं, भारत में नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इसमें आपका सूतक पातक का कोई इसका विशेष है ही नहीं, क्योंकि ये इंडिया में नज़र ही नहीं आ रहा है। ये बाहर की कंट्रीज़ में ही नज़र आ रहा है और बाहर की कंट्रीज़ में इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे जी। क्योंकि देखो, ये काफी बड़ा ग्रहण होगा, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई तो लग गया ग्रहण। मेरे ख्याल में ये 2024 का ये पहला चंद्र ग्रहण होगा। बिल्कुल, ये 2024 नए वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा तिथि पे लगता है, चांद को ग्रहण लगता है। तो ये जो है पूर्णिमा भी है उस दिन 25 को और सुबह 10 से लेकर के तो 3 तक रहेगा। लेकिन हमारे देश की जो भी फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनको इसमें कोई विशेष नियम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई मंत्रोच्चारण करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इसका इफेक्ट है ही नहीं भारत में। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको, ये भी कहा जाता है कि जब ऐसे ग्रहण लगता हो तो वो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उन्हें बैठना नहीं होता, उन्हें कुछ ना कुछ काम नहीं करना होता, बस चलते फिरते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको करना है। कि जैसे अगर ये हमारे देश में तो है नहीं है, लेकिन जो हमारे देशवासी जो बाहर की कंट्रीज में हैं, अगर वहाँ पे कुछ ऐसा वो रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो कटना कुछ नहीं है जी। कुछ सिलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, सिलना नहीं है, चलते रहना है। आप मंत्रोच्चारण करते रहें, ज़्यादा मंत्र नहीं आते तो ओम का ही सिंपल उच्चारण करें, कोई ज़्यादा विशेष उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मतलब गर्म चीज़ आपके ऊपर गिरनी नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो एक ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत पर इसका असर नहीं देखने को नज़र आ रहा है, लेकिन जो इंडियंस बाहर के देश में रह रहे हैं उन्हें जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर विशेषतर उस दिन होली भी है तो होली में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मस्ती मस्ती में कई बार ऐसी चीज़ें नहीं फॉलो कर पाते या कभी माइंड से वो चीज़ें निकल जाती है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए क्या आप एडवाइस देंगे? देखिए, मैं इसमें आपको ये बताऊँ कि जब बाहर के देशों में उस टाइम रात होगी, हाँ, तभी चंद्र
नजर आएगा, तो होली वहां पे फिर खेली नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ दिन है तो वहां रात है, तो जब वहां रात है तो चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो वहां पे फिर सूर्य मतलब दिन तो होगा नहीं, तो रात को 10 बजे के बाद से कोई ऐसी एक्टिविटी विशेषकर रंगों की बाहर के लोग जो है वो इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे। तो बाकी चीजों का एहतियात रखना है, जैसे सोना नहीं है जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं, बाहर की कंट्रीज की बात कर रही हूँ, जो इंडियन बाहर है तो सोना नहीं है इस टाइम में, ये सब 3 बजे तक, तो ये सब उनको ध्यान रखना है। तो बाकी वहाँ रात होगी तो बाकी रंगों का कुछ इतना महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि होली मनाई नहीं जाएगी। तो जैसे जिस तरह से देखा जा रहा था कि काफी सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उन पर ये कंफ्यूजन जो है लगातार सामने नजर आ रही थी कि 25 मार्च को जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसका भारत पर भी जो है असर देखने को नजर आएगा, कि कई राशियों पर ये प्रभावी होगा और कई राशियों पर ये शुभ फल देगा। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि डॉक्टर सरिता जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने हमें बताया कि 25 मार्च को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसका भारत पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, बाहरी जो देश है वहां पर रहने वाले जो इंडियंस हैं उन्हें उन रिचुअल्स को फॉलो करना होगा जो ग्रहण के टाइम पे रिचुअल्स बने होते हैं, तो वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो जरूर फॉलो करें, लेकिन इंडिया में इसका असर देखने को नहीं आएगा। जो सोशल मीडिया पर ये फ्लैश हो रही हैं चीज़ें, ये मनगढ़ंत है, इन पर विश्वास नहीं कीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या आपकी राशि पर इसका कुछ असर होगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।